अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू सीजन फॉर कैफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एंड बीकॉम का भी रिजल्ट आने वाला है और वो भी अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। रिसेंट पास में जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं और उसमें जो मुझे ड्यूरिंग द इंटरव्यू या जो सीवीज़ में रेलिवेंट मिस्टेक्स दिखी हैं या जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो हम बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचाएंगी। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में रखा हुआ है, एक इंटरव्यू के दिन को और दूसरा जो सीवीज़ के अंदर मामलात होते हैं उस पर हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू के डे पे। लेट्स आपको अगर 11 बजे बुलाया गया है और आप नहीं पहुंच सकते, इंसान है किसी वजह से ना पहुंच सके, इट्स फाइन। बट अच्छा यह है कि आप एक रीस्केजुलिंग की रिक्वेस्ट डाल दें, आप कॉल कर दें अपने जिन्होंने भी आपको बुलाया है। ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता, यानी गायब बिल्कुल, उनकी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो इट्स गिव अ बैड इंप्रेशन। रिमेंबर, इंटरव्यू का दिन वो होता है कि जिस दिन यू आर सेलिंग योर सेल्फ। यू नो, एक गाड़ी खड़ी हो और उसका इंजन फेल हो लेकिन दिखने में बहुत अच्छी हो, तो आप कहेंगे कि बाजार तो गाड़ी अच्छी है, या एक मिठाई बहुत अच्छी पैकिंग हुई हो तो आपको लगेगा कि इसको मुझे खाना चाहिए, टेस्ट बाद में पता चलेगा। तो इट्स अ फर्स्ट एंड द लास्टिंग इंप्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने जा रही हैं। एक्चुअली यू आर द प्रोडक्ट एंड यू आर सेलिंग योर सेल्फ, तो मेक इट अट्रैक्टिव। मेक इट अट्रैक्टिव में सबसे पहली बात कि जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो नॉर्मली हम पब्लिक कन्वेंस यूज़ करते हैं या लड़के बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, और मौसम सबको पता है अभी भी इतनी गर्मी हो रही है तो प्रॉब्लम होता है, यानी आपका फेस भी गर्द आलूद हो जाता है और बाल बाल भी बिखर जाते हैं, तो इट्स फाइन। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि एक अच्छी सी कंघी अपने पास रखें ताकि आप अपने बाल बाल बना लें, फेस वॉश रखें, और जूते बड़े अक्सर मिट्टी वाले होते हैं और यही एक्सक्यूज़ होता है कि पार्किंग का इशू है वगैरह। तो भाई ये आपके एम्प्लॉयर का मसला नहीं है, काइंडली एक सस्ता सा 60-70-100 रुपये का आप खरीद लीजिए एक शू शाइनर, ना ज़्यादा इतना महंगा भी नहीं है, और इट्स अ वेरी हैंडी टूल टू मेक योर सेल्फ अच्छा, साफ सुथरा एंड अट्रैक्टिव। इसके बाद जब आप इंटर होते हैं तो उसके अंदर भी ये अक्सर देखा जाता है कि बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज कंधे झुके हुए, तो भाई आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तभी तो आप कहीं गए हैं, तो आपको तभी किसी ने बुलाया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अकड़ के भी नहीं जाना चाहिए, बट शो सम कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ ऐसा भी नहीं। डाउन टू अर्थनेस कहाँ होनी चाहिए, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू अक्सर हमने देखा है कि हम ये दिखाना चाह रहे होते हैं, बताना चाह रहे होते हैं, जिन बच्चों को मैंने देखा है कि उनके भाई MNAs हैं, MPAs हैं, इट्स गिट्स अ बैड इंप्रेशन। अगर वाकई में अगर आपको बताना है तो जस्ट से कि पब्लिक सर्विस के अंदर इन्वॉल्व हैं, दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड दे एफिलिएटेड विद दिस पार्टी और विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। इसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं बताना चाहिए कि इट गिट्स अ बैड इंप्रेशन एक्चुअली। और फिर आपकी ड्रेसिंग भी बड़ी फॉर्मल सी हो, आप गूगल कर लीजिए कैसे ड्रेस फॉर्मल्स होते हैं, अक्सर देखा है डार्क कलर्स के सूट होते हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाऊँ, एक किस्सा सुनाऊँ। आई रेफर समवन फॉर अ गुड पोस्ट, और जब वो वहाँ से इंटरव्यू देकर आए तो मैंने उनसे कॉल करके पूछा कि हाँ भाई कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि यार क्या भेज दिया था, इट वॉज़ वेरी कैजुअल। इनफैक्ट आई नो अ गाय जो एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए और चप्पल पहन के चले गए थे जस्ट फॉर द रीज़न कि मुझे बस कॉल आई और मुझे जाना पड़ गया, तो भाई आप एक नेक्स्ट डे का टाइम ले लेते तो दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, उन दोनों की नौकरियां नहीं लगी, तो इट्स अ बैड थिंग। तो हमने अपनी ड्रेसिंग पे भी काम करना है, अपने जूते पे भी काम करना है, अपने फेस पे भी काम करना है। दीज आर द सम टिप्स जो मेरी नज़र में बड़ा इसका एक इम्पैक्ट होता है, और बात भी बड़े कॉन्फिडेंस से करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, बट इट्स अ थिन लाइन बिटवीन अ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो, और बात करते हैं हम CV पर। CV के अंदर अक्सर हमने देखा है कि हम बताते हैं स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में, तो पहले तो हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्किल्स एंड व्हाट आर द एबिलिटीज एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज़। अक्सर हमारी CVs में लिखा होता है मेरी एक्टिविटी यह है बुक रीडिंग एंड स्पोर्ट्स। पूछा जाए भाई कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं आप, तो आंसर इज़ क्रिकेट, वेरी कॉमन। अच्छा जी कब खेला था लास्ट, सर स्कूल लाइफ में खेला था, दिस इज़ नॉट द आंसर। इफ़ इट इज़ योर एक्टिविटी इट इज़ सपोज टू बी योर डेली रूटीन, नॉट डेली रूटीन तो एटलीस्ट आपकी लाइफ में इन होनी चाहिए। तो प्लीज़ कॉपी पेस्टिंग पे ना जाएं। आई सॉ अ स्किल इन द CV, टेक्निकल स्किल्स में लिखा हुआ था लीडरशिप। यार कम ऑन, इस तरह की कॉपी पेस्टिंग इट्स गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। एट टाइम्स व्हेन आई सीन द CV के स्किल्स में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स और कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन और
कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएटर और लीडरशिप स्किल्स, तो रिमेंबर यू आर जस्ट द ओपनर्स, आपकी ये फ्रेश जॉब्स हैं, तो इसमें आपने ये सब कहाँ अप्लाई किया होगा? अच्छा, अगर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई पर्सनल लाइफ का भी, इट्स फाइन, देन अगर फिर आपसे पूछा जाए तो यू आर सपोज टू प्रूव दीज स्किल्स, तो एट टाइम्स कंक्लूजन यही मिलता है कि दीज ऑल आर कॉपी पेस्टेड. एंड लास्ट थिंग इन द सीवी कि हम रेफरेंसेस लिखते हैं अक्सर. अब लेट से जिसका रेफरेंस लिख रहे होते हैं उसको पता ही नहीं होता कि हमने उसका नाम यूज़ किया. इट्स ऑल्सो गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. आप जिसका नाम यूज़ कर रहे हैं उसको पहले से बताएं कि सर मैं आपका नाम यूज़ करने जा रहा हूँ, आपको एज अ रेफरेंस अपनी सीवी में ले रहा हूँ, तो काइंडली प्लीज़ आपको कॉल आया तो आप देख लीजिएगा. और यही कुछ बातें थी. दिस ऑल आर माई रिकमेंडेशंस. उम्मीद है आपको ये फ़ायदा पहुँचाएंगी. मौसम भी बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.